सुपरस्टार शाहरुख खान को इंडियन ऑफ द ईयर 2023 के टाइटल से सम्मानित किया गया। ऐसे में शाहरुख खान भावुक हो गए। उन्होंने स्टेज पर आकर लंबी स्पीच दी। उन्होंने बताया कि पिछले 4-5 साल उनके और उनके परिवार वालों के लिए बेहद ही खराब रहे। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती चली गई और परिवार वालों पर एक के बाद एक संकट आते गए, जैसे आर्यन खान पर भी आरोप लगे। बीते सालों में आई परेशानियों का जिक्र करते हुए शाहरुख खान ने यह भी बताया कि उन्होंने इस मुश्किल दौर से क्या सीखा। शाहरुख खान ने न्यूज 18 के अवार्ड समारोह में कहा, पिछले 4-5 साल मेरे और मेरे परिवार के लिए थोड़े कठिन रहे। मुझे यकीन है कि कोविड और अन्य चीज़ों की वजह से आपके लिए भी ये समय आसान नहीं रहा होगा। मेरी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। लोग मेरे करियर के खत्म होने की कहानी लिखने लगे और फिर व्यक्तिगत स्तर पर कुछ परेशानियां आने लगी। इन सब परेशानियों से मुझे सबक मिला कि शांत रहो, बहुत शांत रहो और गरिमा के साथ कड़ी मेहनत करो। जब तक अच्छा चल रहा हो तब तक इस बात को अपने दिल में रखो कि किसी दिन अचानक कहीं से फिर एक संकट आ जाएगा और आप पर हमला करेगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको चीज़ों के ठीक होने की उम्मीद करनी है, खुश रहना है और ईमानदारी से वो करना है जो आप करने आए हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि जिंदगी फिल्मों की तरह होती है, अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और अगर ठीक न हो तो वो अंत नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। शाहरुख खान के इस मोटिवेशनल स्पीच पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।